वेलकम टू कराची। ओके थैंक यू। क्या यार मुसीबत है बागोड़े। अस्सलाम वालेकुम सजनत मली मित्रों से लेके हाल चाल उम्मीद करता तुम सारे ठीक ठाक हो गए थे। अल्लाह ताला शुक्र दे नाल आज दा करते हैं जी व्लॉग स्टार्ट। वेलकम टू कराची किड़ाची सॉरी कराची 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 पहले कराची। तो अब जी उर्दू में किड़ाची की लैंग्वेज में व्लॉग बनाएंगे। कराची कराची ये हमारे भाई कराची आए हुए तो सही है। हम भी कराची आए हुए ये घूम रहे कराची ये सही है और ये हम पार्टी कर रहे हैं। इधर है मुजम्मल भाई और शहजान भाई। अरे मेरा व्लॉग स्टार्ट होने से पहले सब सब्सक्राइब ठोक दो। अभी हम आए हुए हैं जी सीवीयू पे। इधर इतना रश हो रहा है ना सर जी इतनी तेज़ हवा चल रही है ना शायद आपको आवाज़ भी सही ना आ रही हो लेकिन यार ये जो आवाज़ को इग्नोर मारिएगा। और अभी जी हम चलते हैं जी सीवीयू की तरफ। वो सामने पानी आप देख सकते हैं। लोग दस्तरखान लेके आए हुए हैं और जी खाना वगैरह भी इधर बना रहे हैं बैठ रहे हैं। और मैं तकरीबन जी 9 साल के बाद तकरीबन आया हुआ हूँ कराची काफ़ी अरसे के बाद। उन्होंने तरह तरह की चीज़ें लगाई हुई हैं ठेले वगैरह भी लगाए हुए हैं। ये क्या है फ्रूट चाट है पता नहीं क्रीम चाट है वो गोलगप्पे हैं। इधर लोगों ने जी वो भी लगाए हुए हैं मतलब अगर किसी को पानी में जाना है तो कपड़े वगैरह और जूते 20-20 रुपये में मिल रहे हैं तो जिसने भी परचेज करने आ जाए भाग के। जी चाइनीज भी आए हुए हैं ये इधर फोटो वगैरह बनवा रहे हैं। इधर जी हमें भाई मिले हैं चाइनीज भाई। हाउ आर यू ब्रदर। यस आई एम फाइन। जी बेचारे चाइनीज हमारे मत्थे लगे थे तो साड़ी इंग्लिश अगे पूरी सूरी आते उस तो बाद उन बेचारों को भी ना इंग्लिश आ रही हो। अच्छा हमसे ज़्यादा वो कंफ्यूज हो रहे हो पसीना आ रहा हो इतनी तेज़ ठंडी हवा में उनको पसीना आ रहा हो यार। बाकी बहुत अच्छे लोग हैं यार चाइनीज़ तो इंशाल्लाह मुझे ना मतलब कि इस सर्दियों में शायद मेरा चक्कर लगे चाइना क्योंकि हमारे उधर बस जाती है ना मुजफ्फरगढ़ से आपको पता है स्टार्ट हुई है बस। तू मेरा पुत्र छुट्टी का क्या ये जो है ना टुक टुक ये करवा रहे हैं कि उधर मतलब घूमने के लिए जाएं क्योंकि ये जो मतलब कपड़े वगैरह हैं सारे ख़राब हो जाएंगे। और आपको मैं बताता चलो यार अचानक से उधर ना मतलब के प्रोग्राम बना तो इधर कराची में आया हूँ तो मतलब के ना उधर से यार रात को आया हूँ व्लॉग मतलब बनाने का दिल ही नहीं कर रहा था। मैंने कहा जाके सीधा ना सीधा कराची जाके सीवीयू पे व्लॉग स्टार्ट करेंगे और आप सब्सक्राइब भी ठोको। बिस्मिल्लाह हमने जी ड्राइव स्टार्ट कर दी है हमारे साथ हैं। इधर पीछे जो है ना रिजवान भाई और मुजम्मल भाई बैठे हुए हैं तो हमें जी गाड़ी चलाना ही नहीं आ रही है। बहुत तेज हो रहा है यार भाई फुल कंफ्यूज है। और तो क्या कहते हैं टुक टुक ब्रेक। जी हम जी नंगे पांव अभी जा रहे हैं जी पानी के अंदर जो पानी है उसके अंदर मतलब अंदर तो दो तो लहरें देखे कितनी दूर दूर से आ रही हैं। इधर जी हम पानी के बिल्कुल करीब आ गए हैं। आज इतनी तेज चल रही है ना
पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी या नहीं, लेकिन हवा भी इतनी तेज चल रही है और जो है ना लोग कितने नहा रहे हैं, ऊपर बादल भी आ गए हैं ब्लैक ब्लैक। कपड़े और दूसरी लहर कहाँ तक जा रही है पैन दी सिरी। अरे ये क्या हो गया, अरे यार कपड़े सारे गीले हो रहे हैं। ये एक और आ गई, एक और आ गई है, आए आए। अरे पीछे सारा स्कूटर पीपीओ चश्के चश्के बड़ी लहर आ रही है, आ रही है। स्लोमो चल रहा है, टिक टाक बन गया टिक टाक। बाकी इधर सारे बच्चे फैमिलीज ना आ रही हैं। अरे क्या यार मुसीबत है बाघोड़े, हर तरफ पानी 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 पानी, बीच में छापड़ी छापड़ छापड़ी छापड़ यार, पानी का कितना शोर है। ओह तेरी ओए, इतनी बड़ी लहर, बड़ी से बड़ी लहरें आ रही है। ये देखो यार इधर एक और सीन बड़ा आउट हो रहा है, जहाँ पे खड़े रहो ना जैसी लहर आती है ना तो गाँव के नीचे से जो मट्टी होती है ना वो सारी भाग जाती है। कैसे आ रही है ये लहर, ये लहरें जो आती है ना ये देखिए, ये पाँव के नीचे से सारी मट्टी चली जाएगी। ये पानी यार मैला है, मैला इधर ये सारा पानी पीछे चला गया है। और ओए कैसे कितना प्यारा लग रहा है, पैर दी सिरी ये सिपियां कितनी सोहनिया लग दी। अब फिर आ गया आजा बाबू आजा, इधर सिप्पी एक थी सिप्पी थी। आए हाय हाय प्यारी है यार, ये बड़ी बड़ी आ गई चार। मेरी जान के टोटे कैसा फील हो रहा है, कहाँ लेके जाएगा। ये बहुत आरामी है, बाद आ जा बहुत वो शंटू है। और इधर जी पानी और ठीक ठाक है पानी है, ये देखे पानी चेक करें, लैला की तरह मचल मचल के आ रहा है। वो छोटी बच्ची जो लोग वो उधर इतनी दूर गए हुए क्या बन रहा होगा उनका। ये देखिए ओए 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 यार सारे कपड़े यार, पूरा हफ्ता इसी में कपड़ों से निकालना था यार। इधर मैंने एक और चीज बहुत नोट की है जो है कि मेरी कमजोरियां इधर मुझे पता चल रही है। पानी जब वापस जाता है ना तो टांगे कांपती है और पानी मुझे लेके वापस जा रहा है। मतलब इधर सीवीओ पे कोई नहीं आता और आज मैं हूँ तो कह रहे हैं कि ऐसे मुझे लग रहा है जैसे पूरा कराची इधर ही शिफ्ट हो गया है। जहाँ देखो हर कहीं वो ठेले लगे हैं, लोग मिलते हैं, टुक टुक हमसे तो चलती भी नहीं है टुक टुक। एक तो बाल मैं टिंड करवाता हूँ यार, मैं टिंड करवाता हूँ कसम से, दिलीप करके आपने दिखा। अच्छा इसने जिंदगी में कभी कैप नहीं उतारी, जिंदगी में कभी। चलो मट्टी तो उतर गई, अबे भाई ये 50 रुपए की दी है इसने, तू और गिले की दी है कपड़े। तो इधर जी 50 रुपए की दी है भाई ने बोतल पाउन धोने के लिए, बात नहीं होगी। ये जी कराची सीवीओ कहाँ से लेके वो कहाँ तक जा रहा है। ये इधर जी ये दुकान चलती फिरती दुकान चलदियाँ फिर दुकान बहुत सामने जो है ना आगे लोग पता नहीं कौन है बैठ के हंस रहे हैं, ये क्या पैन दिसरी पागल लगा हुआ है मोबाइल पकड़ के। तो इधर जी जाऊँ की भी काल आ गई है और हम इस टाइम जी सीवीओ पे हैं। तो यार भाई ने आना था लेकिन जो है ना उन्होंने जाना है मतलब कर दूँ और मेरा अचानक ही प्रोग्राम बना है तो जिस वजह से मैं अकेला आया हूँ। बाकी नेक्स्ट टाइम ना इंशाल्लाह मैं भाई को साथ लेके आऊँगा और इधर ही इंजॉय मारेंगे। आवाज़ इधर देखे, आवाज़ इतनी कम आ रही है ना कि कान लगा लगा के सुन रहे हैं। इधर जी मुजम्मल भाई
लिख रहे हैं, तो इन्होंने कहा था कि भाई फाइनल होने के बाद दिखाना, लेकिन मुझे जो है ना ब्लॉगिंग का जो कीड़ा है ना वो नहीं मरता। ये देखें, ये भी लिखो है यार, दिस इज कराची बे। मुजम्मल ने इतनी भाई ने मेहनत से बनाया है। भाई ये लिखा क्या है? ये भाई ये इसने लिखा है अपनी गर्लफ्रेंड का नाम। ये इसने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिखा है आर ए एफ ए भाई राफे। बड़ा हरामी हो बेटा। इतना प्यारा हो रहा है देख लें आप, ये वो सामने टावर है और सूरज बिल्कुल गरूब हो चुका है। इधर ड्राइविंग कर रहे हैं ये। तो सुबह इंशाल्लाह जाएंगे मज़ार में भी, और ये जो आप पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं ना वो सामने कितनी बड़ी है यार। कराची की जो मुझे चीज़ पसंद है ये ना वो है सबसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। एक ये है इधर, वो कहाँ जा रही है मुझे समझ नहीं आती, जो ऊपर ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं वो तो क्या उसका नाम है, उन्होंने पे आए थी सीरी चक्कर भी नहीं आते। तो इतनी ऊँचाई पर खड़े होकर नीचे देखना साढ़े तरह निकल जाते हैं। बाकी ये देख लो कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है कराची जाए, वाकई ये लाइटा का स्थिति है, कितनी सार पास लाइटा ही लाइटा। फाइनली जी अल्हम्दुलिल्लाह सी व्यू वगैरह से ओके, तो मतलब सब घूम फिर के, तो इस टाइम टाइम हो रहा है जी 12 बज रहे हैं, तो 12 बज के तो अब हम इधर आए हैं। तो ये रेस्टोरेंट कौन सा है, शानदार शनवारी बारबेक्यू रेस्टोरेंट है ये कुरंगी क्रॉसिंग पे। तो इधर खाना वगैरह आ गया है, तो भाई लोग भी बैठे हुए हैं, तो अभी जी खाना स्टार्ट करते हैं। तो आज के व्लॉग को इधर ही करते हैं जी एंड, अगर उम्मीद है आप लोग को हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर लगा है तो लाइक है शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़। फॉलो ज़रूर करो, फॉलो ज़रूर करो, फॉलो ज़रूर करो। वो हमारे भाई को फॉलो नहीं कर रहे, ये भाई बहुत दूर से पंजाब से 1000 किलोमीटर सफ़र करके कराची आए हैं। फॉलो करो, फॉलो।